नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचा सुतार में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पालक पनीर की सब्जी कैसे बनाई जाती है। पालक पनीर की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज इसी वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि पालक पनीर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, पानी हल्का सा उबलने लग गया है। देखिए पानी अच्छा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे पालक। यहाँ पे पालक को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए उबालना है। ये देखिए 2 मिनट हो गए, पालक को हमें बस यहाँ तक ही उबालना है। अब पालक को निकाल के हम ठंडे पानी में डालना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो, ग्रीन कलर रहेगा पालक का तो हमारी सब्जी अच्छी दिखेगी। यहाँ पर मैं इसे ठंडे पानी में डाल दूँगी। ये देखिए सभी पालक को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब हम पालक को ग्राइंडेड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। पालक का पेस्ट बना दिया है, अब मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और हींग डालूंगी। अब हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, हिला लेंगे, प्याज को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आँच को धीमा कर देंगे। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे, धीमा करके मसाले मिलाने हैं। 1 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर मिला लेंगे। साथ ही डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा कप पानी डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए, हिला लेंगे। टमाटर को पकने देंगे अच्छे से, नमक स्वाद अनुसार 5 मिनट पकने देंगे टमाटर को। थोड़ा सा बटर डालेंगे इसके अंदर, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, पनीर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, आप चाहे तो किसी भी शेप में पनीर के टुकड़े कर सकते हैं। पाँच मिनट पनीर को भी पका लेंगे इसके अंदर ताकि हमारा पनीर कच्चा ना रहे।
अब हम इसमें मिलाएंगे ये पालक का पेस्ट। मिला लेंगे, पांच मिनट और पकाएंगे। ये देखिए हमारे पालक का कलर बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पांच मिनट और पकने देंगे। ये देखिए पालक पनीर हमारा बनके तैयार है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमें पालक पनीर बनाना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर बनाना, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।